दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर के अंदर जमी गंदगी को कैसे साफ किया जाए। और मैं आज का यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब तक कि शरीर को अंदर से साफ ना किया जाए, अच्छी से अच्छी चीज खाने का सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता है। और जैसे ही शरीर के अंदर की जमी गंदगी साफ होती है, पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करता है, आपकी हाइट भी तेजी से बढ़ने लगती है, शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ आपकी स्किन साफ होने लगती है, वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। इसके अलावा कई सारी गंभीर बीमारी भी ठीक होने लगती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर शरीर की गंदगी को साफ कैसे करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि शरीर की गंदगी को साफ करके हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, हम जब भी खाना खाते हैं, वह आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है। वहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जो कि बाद में मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंतों में जमा हो जाती है। दोस्तों, आप इसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जूम करके देखने पर हमारी आंतें अंदर से कुछ इस तरह से दिखती हैं, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, जो कि किसी फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती हैं, जो कि शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती हैं, और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खून में पहुंचाया जाता है, खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन जब जाने अनजाने में गलत तरीके के खान पान का इस्तेमाल करते हैं, तो वह आंतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे आंतों की दीवार पर मोटी परत बनाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं, तो साथ में गंदगी भी खून में घुल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्से में जमा होने लगती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर में पहुंचती है, तो फैटी लीवर बीमारी होती है। जब यह किडनी में जमा होता है, तो किडनी स्टोन फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है, तो कोलेस्ट्रॉल और नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है। और जब यह गंदगी स्किन में जमा होती है, तब पिगमेंटेशन, एक्नी, पिंपल, दाग धब्बे, इन्फेक्शन, दाद खुजली जैसी प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदगी मिला हुआ खून हमारे शरीर में फैलता है, तो हॉर्मोन्स का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिससे कि थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लंबाई न बढ़ना और कई तरह की बीमारियां शुरू होने लगती हैं। बस दोस्तों, आप समझ लीजिए कि हर एक छोटी बड़ी बीमारी शरीर में गंदगी जमा होने के कारण ही पैदा होती है। इसलिए समय समय पर शरीर की गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि शरीर में जमी गंदगी को साफ करने के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह काम हमारा शरीर खुद करता है। हमारे शरीर के अंदर बैलेंस करने की पावर होती है, जिससे कि खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करने से हमारा शरीर अपने आप ही खुद को अंदर से साफ करने लगता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आपको ध्यान से देखना है और कम से कम 15 दिन फॉलो जरूर करना है। दोस्तों, आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपने शरीर के अंदर की गंदगी को साफ कर लिया, तो आपकी हाइट भी तेजी से बढ़ने लगेगी। दोस्तों, आज मैं आपको शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए 5 टिप्स बताऊंगा। अगर आपने 5 टिप्स में से 2 या 3 टिप्स भी फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी हाइट तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके अलावा लगभग 5000 बीमारियां शरीर की गंदगी साफ होने से ठीक हो जाएंगी। टिप्स नंबर 1। दोस्तों, जब आप सुबह नाश्ता करते हैं, तब आपको नाश्ते में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। इसके लिए 2 बातों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। पहला, कब खाना चाहिए, दूसरा, क्या खाना चाहिए। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि कब खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर की सफाई करनी है, तो सुबह का नाश्ता थोड़ा सा देर में करना चाहिए और रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सुबह के नाश्ते और रात के खाने से शरीर की गंदगी साफ होने का क्या रीजन है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे शरीर में खुद ही अंदर से गंदगी साफ करने की
पावर होती है, लेकिन शरीर अंदर की सफाई तभी करता है जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली होता है, क्योंकि पेट में खाना मौजूद होने से हमारा शरीर सफाई के काम को छोड़कर खाना पचाने का काम करने लगता है। और जब सुबह का नाश्ता थोड़ा देर में खाते हैं तो पेट खाली होने की वजह से लंबे समय तक शरीर को अपनी सफाई का आसानी से मौका मिल जाता है। और उसी तरह रात को जल्दी खाना खा लेने से सोने के लिए जाने के बाद तक आधा से ज्यादा खाना पच चुका होता है, जिससे गहरी नींद में पहुंचने से शरीर अपने अंदर की सफाई करने का काम शुरू कर देता है। इसलिए सुबह का नाश्ता आपको 11 बजे के बाद और रात का खाना आपको 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि शरीर को साफ करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है शरीर की सफाई के दौरान अगर यह पता ना हो तो पूरे किए कराए पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, शरीर की सफाई के दौरान ऐसे खाने का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको पचने में आसानी हो। दोस्तों, अगर इस समय देखा जाए तो अभी के टाइम में लगभग 3 तरह की चीजें होती हैं जिसका खाने में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। पहला सब्जी और फल, दूसरा रोटी चावल दाल, और तीसरा है मछली चिकन अंडा और दूध। शरीर को अंदर से साफ करने के लिए फल और सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण यह आंतों में जमे टॉक्सिन को नीचे की तरफ ढकेलता है, जिससे कि कब्ज की समस्या दूर रहती है और आंतों में जमी गंदगी भी अच्छी तरह से साफ हो जाती है। दोस्तों, बेसिकली आपके पूरे दिन भर का खाना कुछ इस तरह से होना चाहिए। सुबह का नाश्ता 11 से 12 के बीच में लेना चाहिए। उसमें आप जरूरत के हिसाब से 1 से 2 सेब खा सकते हैं, या फिर आप 2 से 3 तरह के फल भी ऐड कर सकते हैं। दोपहर के खाने में चावल के साथ सब्जी और सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें पहले सलाद को खाकर खत्म कर लें और फिर चावल और सब्जी को खाना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है कि चावल की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि सब्जी में ज्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है। रात का खाना, जो कि आपको 8 बजे से पहले पहले ही करना चाहिए, उसमें रोटी के साथ सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ख्याल रखें कि रोटी की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा रखनी है। टिप्स नंबर 2, दोस्तों, जब भी आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तब आपको नींबू और पानी का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि नींबू पानी शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है। इसके लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा या 1 नींबू निचोड़ कर डालें और फिर उसे पी जाएं। टिप्स नंबर 3, दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि धूप हमें विटामिन डी प्रोवाइड कराता है, जो हमारे शरीर के कई तरह के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही धूप की किरणें हमारी बॉडी को चार्ज करती हैं, जिससे शरीर में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और फंगस भी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर दिन सुबह के समय कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बिताना चाहिए। टिप्स नंबर 4, दोस्तों, हमारे शरीर की स्किन में जमी गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकलती है, इसीलिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज या फिर कोई मेहनत वाला काम जरूर करना चाहिए, जिससे कि पसीना निकले। इसके अलावा खाते समय पेट में थोड़ी जगह जरूर छोड़नी चाहिए, ताकि खाना जल्दी और आसानी से पच सके, क्योंकि पेट में पूरी तरह से भर कर खाने से शरीर के लिए उसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। टिप्स नंबर 5, दोस्तों, अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और एल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि इनके सेवन से आपके शरीर में 2 गुना ज्यादा गंदगी जमा होती है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आप हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसे देखकर अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करिए, मैं उसका जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं अगली किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।